Hello guys, welcome to our YouTube channel, The History Repeaters. तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि असम को एकत्रित करके उस पर शासन करने वाली सबसे बड़ी डायनेस्टी कौन सी थी? वो थी द अहोम डायनेस्टी। अहोम्स, जिनका नाम सुनते ही लसित बरफुकन जी की ये बात देखत कोई मोमाई डांगर रहा है। देश से मामा बड़ा नहीं है, हमारे दिलों में गुजने लगती है और हमारे बीच देशभक्ति की भावना को जागरूक करती है। ये वही अहोम्स है जिसे टक्कर लेकर मुगल जैसे विराट साम्राज्य को भी मुंह के बल गिरना पड़ा था। तो अहोम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अहोम साम्राज्य के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी है? तो आज के वीडियो के एंड तक आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अहोम्स, जिन्होंने असम में लगभग 600 सालों तक राज किया, वो ओरिजिनली मोंगमाओं से थे, जिसमें आज के ज़माने में म्यांमार, चाइना, अरुणाचल और असम के कुछ हिस्से भी आते हैं। अहोम साम्राज्य को असम में लाने वाले थे स्वर्गदेव स्काफा। स्वर्गदेव मतलब स्वर्ग का राजा, जो मोंगमाओं से पटकाई की पहाड़ों को भेद कर आए थे। अहोम्स के 600 सालों के राजत्व में 41 राजाओं ने राज किया। अहोम साम्राज्य की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? अहोम्स ने मुगल्स, जिन्होंने लगभग पूरे हिंदुस्तान को अपना अधीन बना लिया था, उन मुगलों को 17 बार युद्ध के मैदान में धूल चटाया था। मगर मुगल्स अहोम्स को क्यों हराना चाहते? इसके दो कारण हैं। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी, जो पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स था और उसके आसपास का एरिया भी काफी फर्टाइल और प्रोडक्टिव था। दूसरा, अगर असम पर उनका कब्जा होता तो ईस्टर्न एशिया के ट्रेड रूट पर उनका दबदबा रहता। अहोम्स ने अपनी आर्किटेक्चरल स्किल्स से सबको इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के ज़माने के सीमेंट की जगह ईंटों और पत्थरों को जोड़कर रखने के लिए अहोम्स चावल, अंडे, माटीमा और बराली मछली का एक पेस्ट बनाकर यूज करते थे। उनकी सबसे बढ़िया क्रिएशन थी कारेंग घर, जो कि एक रॉयल पैलेस था और जिसे बनाया था स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह ने। इस पैलेस को पत्थरों और लकड़ियों के सहारे बनाया गया था और टाइम के चलते इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस भी की गई। अहोम आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट था तोलाताल घर, जिसे स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने बनाया था एज ए मिलिटरी बेस। बाद में स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह ने अंडरग्राउंड उसमें 3 और फ्लोर ऐड किए थे। अब आप सबको एक मजेदार बात बताता हूं। तोलाताल घर के नीचे से 2 सीक्रेट टनल्स हैं। पहला टनल लगभग 3 किलोमीटर लंबा था और जिसका दूसरा सिरा दिखो नदी के पास खुलता था, और दूसरा टनल लगभग 16 किलोमीटर लंबा था और सीधे जाके कारेंग घर के पास खुलता था। तो अगर कभी भी कारेंग घर, जो कि रॉयल पैलेस था, उसमें सडनली अटैक हो जाता तो राजा अपने सीक्रेट टनल से तोलाताल घर, जो कि एक मिलिट्री बेस था, वहाँ पर मदद के लिए मैसेज भेजता। और अगर कभी भी राजा की जान को खतरा हुआ तो वो सीधे टनल से तोलाताल घर पहुंचकर दूसरे टनल से दिखो नदी जाकर अपनी जान बचा लेता। रॉन्ग घर या हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट भी अहोम आर्किटेक्चर का एक सुंदर एग्जाम्पल सेट करता है, जिसे बनाया था स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने 18वीं सदी में। रॉन्ग घर का शेप एक इन्वर्टेड रॉयल अहोम बोट की तरह है। रॉन्ग घर एक स्पोर्ट्स पेविलियन था, जहाँ से राजघराना रुपोही पठार में हो रहे गेम्स जैसे बफेलो फाइट के मजे लेता था। जयसागर पुखुरी, जो शिवसागर में स्थित है, एशिया का लार्जेस्ट मैनमेड तालाब है। ये तालाब ऑलमोस्ट 318 एकड़ जमीन कवर करती है। जयसागर पुखुरी को स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने बनाया था अपनी माँ जयमती कुंवरी की याद में, जिन्होंने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अहोम आर्किटेक्चर में और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि शिवदोल, विष्णुदोल, देवीदोल, जो कि उनकी लाजवाब कारीगरी को सिद्ध करता है। अहोम साम्राज्य की एक और खासियत ये थी कि उन लोगों ने कभी दूसरे रिलीजन या दूसरे प्रैक्टिसेस फॉलो करने वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि अपनी प्रैक्टिसेस को उनके साथ ही बढ़ावा दिया। साथ ही में एक अहोम राजा की पावर्स को हमेशा चेक करने के लिए एक पत्र मंत्री का कमेटी था, जिसमें बुरागोहाएँ, बौरगोहाएँ, बौरबोरुआ, बौरपत्र गोहाएँ और बौरभुकोन रहते। पत्र मंत्री की टीम को किंग को अपॉइंट करने या रिमूव करने का पावर्स था, इसीलिए भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्मूथ था।
अहोम साम्राज्य 1769 से 1805 के बीच में हो रहे मौर्य विद्रोह के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया था और लगातार हो रहे बर्मीज अटैक पर उनके आखिरी राजा स्वर्गदेव पुरंदर सिंह ने घुटने टेक दिए। फाइनली फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद 24 फरवरी 1826 को जब ट्रेटी ऑफ यांदावो हुआ तो उसके तहत ये किंगडम पूरी तरह से ब्रिटिश के हाथ में चला गया। अहोम साम्राज्य के ऊपर हम लोग और भी एक वीडियो बनाने वाले हैं जल्द ही, तो उसके लिए ट्यून करिए हमारे चैनल के साथ द हिस्ट्री रिपीटर्स। और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, उसके लिए बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा वादा है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।